नमस्कार, आज मैं लेकर आई हूँ ये दही के छोलों की रेसिपी। जी हाँ, जिसको बनाने का अपना एक अलग अंदाज है और जिस अंदाज से ये बनते हैं खाने में ये उतने ही लाजवाब होते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जी हाँ, सोनियास किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं इस दही के छोलों की रेसिपी को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस दही को, मैंने 500 ग्राम दही ली थी तो उसको मैंने सूती कपड़े में इस तरीके से लटका दिया था जिससे कि इसका सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया। और ये देखिए, बिल्कुल सूखी हुई दही लेंगे और इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे फ्री बाउल में। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम पनीर। तो पनीर को हम इस तरह से ग्रेट करेंगे, ग्रेट करके डालेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है दही के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे यहाँ पर, कुछ मैंने डाले हैं फ्रोज़न कॉर्न्स, ये ना हो तो आप उबाल भी सकते हैं नॉर्मल कॉर्न्स को। कुछ मैंने गाजर को पतला पतला करके ऐसे डाल दिया। यहाँ पर कटा हुआ प्याज ले लेंगे और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट कर डाला है। और सीजनिंग में हम डाल रहे हैं ये पिसी हुई काली मिर्च। यहाँ पर हींग डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो सीजनिंग ली है और ये मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। मैंने डाला है काला नमक। यहाँ पर हम नॉर्मल सॉल्ट डालेंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना पिसा जीरा। बस इन सबको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो आप सब्जियों को अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो और यहाँ पर हरी मिर्च का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें ये टेक्सचर हमें यहाँ पर चाहिए, इस तरह से बन जाना चाहिए। बस अब हम ले लेते हैं ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का यूज़ किया है, इसके किनारे मैं इस तरह से काट दूँगी। ये देखिए, आप कोई भी ब्रेड यहाँ पर ले सकते हो। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्लरी। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करूँगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे इसमें मदद मिलेगी जब हम इसको बाइंड करते हैं। तो अपनी ब्रेड को ऐसे रोल कर लें पिन रोल से और पानी डालकर इसको, जो हार्ड एरियाज़ हैं उनको आप थोड़ा स्मूथ करें और अपने हाथों से ऐसे टैप करते जाएं, जिससे कि हमारी जो ये शीट है ये नॉर्मल हो जाएगी और एक चपाती की तरह काम करेगी। तो जो गीली शीट है इसको मैं टर्न कर दूँगी और ये जो सूखी सरफेस है ये इसको मैं ऊपर रखूंगी। तो सूखी सरफेस पर हम इसको सिलेंड्रिकल शेप देंगे, जो हमारी ये जो फिलिंग है, और इसको हम इस तरह से हल्का सा टैप करके ऐसे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इतनी पे ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो स्लरी है ये लगा दूंगी जो अभी हमने मैदे की बनाई है। और ये देखिए, जिससे कि इसको फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी और बाइंड करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो ब्रेड का हमेशा यूज़ करें, जो फ्रेश ब्रेड हो वो यूज़ करें, सिर्फ एक दिन पुराना, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, उंगलियों की मदद से हम इसको ऐसे, इसके जो कॉर्नर्स हैं ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको गर्म तेल में डालेंगे तो ये, जिससे कि ना खुले। कुछ लोग यहाँ पर पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, बट मुझे तो यही मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मैं इसी तरह से उंगलियों की मदद से इसको ऐसे दबाती चली जाऊंगी। ये देखिए, बहुत ही फाइन शेप हमारी बनके तैयार हो गई। तो सारे के सारे जो अपने ये ब्रेड के जो कबाब हैं या ब्रेड के जो दही के छोले हैं, आप इस तरह से बनाइए। ये देखिए, तो अब चलते हैं, तेल गरम कर लेते हैं अपना। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स थोड़े से डाले हैं तो तेल बिल्कुल फाइन गरम हो चुका है। तो यहाँ पर इनको धीरे से डालें और ज़्यादा ना डालें, तो मैंने सिर्फ दो डाले हैं। और एकदम से इसको टर्न करेंगे। देखिए, तो इसे, क्योंकि एकदम से हॉट ऑयल है तो एकदम से गरम तेल में ये थोड़े से एकदम से ब्राउन हो जाते हैं, ये जल ना जाए, तो टर्न करते जाएं इसको। और ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चपाती होल्डर की भी मदद ली है। और ये देखिए, बहुत आराम से इसको निकालेंगे आप, बहुत धीरे से। ये देखिए, दूसरे स्पून की मदद से। ये देखिए, तो इसी तरीके से सारे बना लें और मैं इसकी साउंड आपको सुनवाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी, मज़ेदार, और इसको काटने का एक बहुत ही बढ़िया स्टाइल होता है। इस तरह से काटें और अंदर से देखिए, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। जैसा कि इनका नाम है दही के छोले, और ये देखने में भी बहुत ही इनका निराला सा अंदाज़ है और खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी मनपसंद चटनी के साथ में आप इसको सर्व करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, अपना अपना सफ़र है, खुद ही तय करना है। खुशी मिले तो हंसना है, गम मिले तो रोना है। जी हाँ, फिट रहें, हेल्दी रहें और देखते भी रहें सोनियास किचन।